हम लाइव क्लास कर रहे थे शाम को, तो आप सब लोग लाइव थे उसमें, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे उसमें कि आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, जब आप लाइव थे तो कमेंट तो आप कर ही रहे होंगे, तो आप पढ़ भी रहे होंगे जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि सर हमें चार चार साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं सीटेट की तैयारी करते हुए या सीटेट का एग्जाम देते हुए, 3 बार से या 4 बार से 5 साल से आपका जो है सीटेट नहीं निकल रहा है, कोई ऐसी टेक्निक बता दो जिससे हमारा इस बार जो है कल्याण हो जाए, सीटेट आपका इस बार क्रैक हो जाए। उसके अलावा मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज भी आए, व्हाट्सअप के रिप्लाई मैंने 2 दिन से दिए नहीं थे, आप सबको पता ही है, लेकिन कल शाम को मैंने जो है सबके रिप्लाई किए हैं, तो उसमें भी मैंने मैसेजेस पढ़े, तो उसमें भी काफी सारे मैसेजेस यही थे। एक ने भी मैसेज किया था, एक का ही था, 3 साल के, 3 साल से मैं सीटेट दे रही हूँ। उसके अलावा कई सारे लोग ऐसे थे जो प्रीवियसली कई बार से ट्राई करते आ रहे हैं, उनका सीटेट नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक्स हो रही है। बल्कि कुछ लोगों के मैसेजेस ये भी थे कि हमारा सीटेट जो है इस बार निकला है, इस बार उनको जो है किसी ने बताया कि एसए टीचर अकेडमी के बारे में, तो उन्होंने वीडियोस देखी क्लासेस की, तो इस बार उनका निकला है 3 3 साल से, एक का तो 8 साल से नहीं निकल रहा था, 8 साल बाद जो है इस बार उसका जो ये अगस्त वाला सीटेट उसका निकल गया है, तो उनको तो बधाई हो भाई। तो मुझे ऐसा लगा उन कमेंट्स को पढ़ के और उन मैसेजेस को पढ़ के कि कहीं ना कहीं दिक्कत जो आपकी हो रही है, आपको सही गाइडेंस अभी तक मिला नहीं है। जो अगर आपको जो है सही गाइडेंस मिलता, क्योंकि ये सीटेट जो है अपने आप में इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि कई साल लग जाए आपको, ऐसा थोड़ा ही है कि कई साल लगेंगे आपको, यूपीएससी की तैयारी थोड़ा कर रहे हो जो 2 2 साल आपको, 3 3 साल आप तैयारी करोगे। सीटेट का अगर सही गाइडेंस मिल जाएगा तो आपका निकल जाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत यही है कि आपको जो है सही तरीके से आपको सही दिशा नहीं मिल पाई है। इसलिए मुझे लगा कि आज की ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है और ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आपकी मदद करेगा और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको सारी समझाने की चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए बात क्या है। उसके अलावा सीटेट दिसंबर 2023 के बारे में भी बात करेंगे, इसकी अपडेट के बारे में बात करेंगे, शिक्षक भर्तियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये टॉपिक पे बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि मैं ये बताने से पहले कि आपका सीटेट कैसे क्रैक होगा या कैसे निकलेगा, उससे पहले मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ कि सीटेट ना निकलने का कारण क्या है, या आप जो बार बार फेल हो जाते हैं उसके कारण क्या होते हैं। अगर मैं सही कारण बता रहा हूँ तो आप कमेंट लिख के मुझे बताएं कि हाँ हमारी प्रॉब्लम जो है यही थी एक्चुअल में। तो देखो जो कारण है, सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है आपका कि आपने पढ़ाई नहीं की, और ये जो कारण है ये आप लोगों के हाथ में है ना, तो इसको तो आप अपने आप से ही सॉल्व कर सकते हो, भाई पिछली बार पढ़ाई नहीं कर पाए, इस बार अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये कारण तो है आपके हाथ में, लेकिन इससे बड़ा कारण, एक्चुअल कारण यह है कि पढ़ना क्या है यह नहीं पता। पढ़ाई क्या करनी है, हम पढ़ तो लें, हम ठीक है सर हम पढ़ाई करते हैं, डेली करते हैं, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि पढ़ना क्या है यही नहीं पता है, तो पढ़ाई करने का फायदा क्या है। तो देखो इसका जो जवाब है वो सिंपल सा ये है कि अब आपको हमारे चैनल के बारे में पता चल चुका है, चाहे आपके दोस्त ने बताया हो या माता पिता ने बताया हो, काफी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हमारे माता पिता ने ही हमें बताया है, उनको किसी ने बता दिया होगा, वो कहीं जाते होंगे, या किसी के दोस्त ने बताया है, इस तरह से। तो आपको किसी ने भी बताया हो, आप तक जो है चैनल हमारा पहुंच चुका है, आप चैनल पे आ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा लो, आप जुड़े साथ में। तो इसका सिंपल सा अब तरीका यही है कि जो आपको गाइडेंस दिए जाते हैं, एक इस तरह की वीडियोस में आपके लिए बीच बीच में लाते रहता हूं कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, सीटेट में क्या चीजें पढ़ें, कितना पढ़ें, सब चीजें। अभी मैंने 3 दिन पहले वीडियो डाली है, वो वीडियो लेटेस्ट है, वो आप लोग देख लो, उससे आपको ये पता चलेगा एक्चुअल में कि आपको पढ़ना क्या है और किस दिशा में पढ़ना है, पढ़ने का सही तरीका होता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने टाइम जो है वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको वीडियो बता देता हूँ कौन सी वीडियो थी पहले, तो सबसे पहले है ना उस वीडियो को आप देखें, बाकी बीच बीच में जितनी भी इस तरह की वीडियोस गाइडेंस वाली आएंगी उसका मैं चाहूं तो एक अलग से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट मैं आपकी बना दूंगा, तो वहां से आप जो है प्लेलिस्ट से उसको देख पाएंगे। इस तरह की जितनी वीडियोस आती रहेंगी वो आप जो है देखते रहें, उससे आपको गाइडेंस पता चलेगा कि आपको जो है किस तरह से जो है पढ़ाई करनी है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। देखो तो आपको YouTube पे ये सर्च करना है, लिख के यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ये लिखेंगे सीटेट की तैयारी कैसे करें 2023 दिसंबर, तो आपके सामने ये वीडियो आएगी, सीटेट सिलेबस न्यू एग्जाम पैटर्न तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पर अब जो न्यू पैटर्न एग्जाम का आपका रहेगा दिसंबर वाले के लिए वीडियो बनाई गई है, ये आप लोग जरूर देख लेना सब लोग, इसमें आपको पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कितने नंबर का कौन सा कंटेंट आता है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको पता चलेंगी। तो एक तो ये आप वीडियो देखें, ठीक है, उसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं हम,
अब इस तरह की जितनी वीडियो आएंगी वो सब देखेंगे आप। तीसरी मिस्टेक होती है, तीसरा कारण अब आपका यह है कि किस पर भरोसा करें, यानी कि YouTube पे भी और इस इतने सारे जो है चैनल्स हैं और इतने सारे जो है लोग वीडियो डालते हैं, उनमें से कुछ सही भी हैं, कुछ अच्छे टीचर्स हैं, उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब बहुत कोई भी YouTube पे ऐसा तो है नहीं कोई परमिशन लग रही है भाई चैनल बनाने के लिए, या कोई डिग्री लग रही है, या आपका इंटरव्यू होगा, या आपका एग्जाम होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। कोई भी आता है YouTube चैनल खोल के बैठ जाता है और आपको जो है ज्ञान देना शुरू कर देता है ना। तो ऐसे में जो है आजकल ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा, तो अब आपको ये दिक्कत आ रही है कि किस पे भरोसा करें, कहाँ जाएं हम पढ़ने के लिए, है ना। तो वहां पे दिक्कत आ रही है, तो इसका सिंपल सा जवाब मेरा ये है, सिंपल बिल्कुल शुद्ध शब्दों में, जिसका पढ़ाया हुआ आपको आसानी से समझ में आ रहा हो। पहली चीज तो ये आपको इससे, इसलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप लिखा है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है, मुझे क्या पढ़ना है। अब जब आपको ये पता चल गया कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको पता चल गया, उसके बाद में डिसाइड करो कि ये टॉपिक मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूं, अगर मुझे इसका पढ़ाया हुआ, इसकी शब्दावली, इसकी भाषा आसानी से समझ में आ रही है, उस टॉपिक के बाद मैं जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो वो टीचर मेरे लिए अच्छा है। और अगर आपने उसकी 10 वीडियोस देख ली हैं और आपको लग रहा है मैं तो 10 टॉपिक पढ़ लिया आज, जब उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सामने आए कुछ हो ही नहीं रिजॉल्व, तो इसका मतलब उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सीधी बात ये होती है। तो इसका डिसीजन आप ही ले सकते हैं कि हम किस टीचर से पढ़ें, कहां पर भरोसा करें, ये आपके इसी चीज पे डिपेंड करता है। आप दिन में 10 सवाल पढ़ो चाहे, लेकिन वो 10 सवाल ऐसे होने चाहिए जो आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि उससे रिलेटेड 10 और भी सवाल आए तो उनको भी आप अपने आप से सॉल्व कर पाए, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि दिन में 500 क्वेश्चन पढ़ लिए, 10 क्लासेस देख ली, लेकिन जब खुद से कर रहे हैं तो वो सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है 10 में से हो सकता है 2 आपसे सॉल्व ना हो, 3 ना हो, 10 में से 7 तो हो कम से कम, तो तब तो पता चले ना, 3 को फिर से रिवाइज कर लेंगे, इसका मतलब हमारे रिविजन में गलती हुई है। लेकिन तो इससे आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आता है, वो आप देख सकते हैं। मेरी क्लासेस में आपको कितनी शब्दावली, कितनी भाषा, कितनी चीजें समझ में आ रही है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी और टीचर का समझ में आ रहा है, तो आप वहां से पढ़ें, और जो सब्जेक्ट मेरे समझ में आ रहे हैं वो आप मुझसे पढ़ें, वो आप ध्यान पूर्वक समझ लें। जब आप एक बार डिसीजन ले लें तो भाई पूरा कोर्स और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, पूरा का पूरा कोर्स आप वहीं से कंप्लीट करें, भटके ना इधर उधर। हम गलती यही कर देते हैं कि 2 वीडियो इसकी देख ली, उससे अगली 4 उसकी देख ली, फिर 2 उसकी देख ली। अरे यार, उसने अभी शुरुआत की थी, 2 आपका बेस बनाया था, आप दूसरे फिर वीडियो देख रहे हो, वहां पे उसने कुछ और बोल दिया, आपको टेंशन हो जाएगी, यार उन वाले सर ने ये बात बोली थी, ये वाले सर तो ये बोल रहे हैं, या ये वाली मैम तो ये बोल रही है, अब मैं क्या करूं, तो कंफ्यूजन पैदा होगा ना, ऐसा तो ऐसे ही होगा ना। तो आप थोड़ा सा, एक तो टीचर जब चुन लिया है आपने तो उस टीचर पे भरोसा करो, दिल से भरोसा करो, है ना। ये बात समझ गए आप बिल्कुल ध्यान से। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में फंसता भी है, और जब तक आप लोगों की कमेंट में पढ़ नहीं लेता कि हाँ ये सर टॉपिक क्लियर हो गया, तब तक मैं वीडियो भी खत्म नहीं करता। मैं सारी चीजें, चाहे मुझे 10 शब्दों के अर्थ बार बार बताने पड़े, बार बार बताने पड़े, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। सारी चीजें मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपका एग्जाम पास होना चाहिए, ना कि वीडियो ज्यादा गिनती बढ़े वीडियो की, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेन बात है कि आपकी सफलता जरूरी है। अब उससे अगला जो टॉपिक है हमारा, या कारण है, वो ये है कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, है ना, ये दिक्कत आती है। तो टाइम मैनेजमेंट ना कर पाने के भी कई सारे कारण है ना। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण तो यह है कि आपकी जो स्टडी है वो कमजोर है, यानी कि आपने जो है पूरे सिलेबस को या पूरे चीजों को ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं आप। तो अगर कोई भी टॉपिक आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है उसके प्रश्न को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, यानी कि ज्यादा टाइम लगेगा। अगर किसी भी टॉपिक पर पकड़ अच्छी नहीं है तो प्रश्न को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, सीधी बात है, है ना। तो इसका तो सॉल्यूशन यही है कि हम पहले अपना जो है टॉपिक अच्छा करें, सारी चीजों को उसके बारे में समझें, पूरा टॉपिक जो है, अगर उसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो अपने टीचर से पूछें। पूछने के कई तरीके हैं, कमेंट्स है, मैसेजेस है, इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, या लाइव में कमेंट करके। दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। मतलब आपने जो है, मान लीजिए आपने जो है पढ़ लिया टॉपिक को,
लेकिन प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं की। तो टॉपिक तो आपको समझ में आ गया, किसी भी टॉपिक को पढ़ लेना और उसके प्रश्नों को सॉल्व करना दोनों अलग बातें होती है। तो प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी प्रश्न के पैटर्न को समझ जाते हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझ जाते हैं, इस एग्जाम में किस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी शब्दावली क्या होती है वो आप समझ जाते हैं। तो अब आप जो है प्रश्न को सरसरी निगाहों से देख के भी सॉल्व कर देते हैं, ऐसा भी आपका जो है एक स्टेज आ जाती है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा सीडीपी का ये रिकॉर्ड है, जो आपका 30 नंबर की सीडीपी होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सीडीपी में 30 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उस 30 क्वेश्चन को 7 से 8 मिनट के अंदर आपका सॉल्व भी कर सकता हूँ और उसके गोले भी भर सकता हूँ। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अब ऐसा क्यों हुआ? अब मैं हमेशा से ऐसा तो नहीं हूंगा, मैं भी अब आपकी तरह स्टूडेंट था तो तब मेरे को भी 30 सवाल सॉल्व करने में 30 ही मिनट लगते थे, या 28 मिनट लगते थे, या हो सकता है 35 मिनट लगते हो, या हो सकता है 40 मिनट लगते हो। लेकिन मेरा क्या हुआ, प्रैक्टिस अच्छी हो गई। जब मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम भी मैंने 4 बार क्लियर कर लिया है सीटेट का, तो मेरे को क्या है, इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं, मैं बस मेरे सामने प्रश्न आता है और मैं देखता हूँ ये इसका तीसरा आंसर सही है, ऐसा हो गया, ऐसा मैंने बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी 4 साल तक प्रैक्टिस करो, आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से, मतलब अगर आपने एक सब्जेक्ट के मान लो 500 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की तो अच्छा लेवल हो जाएगा आपका। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप एक तो जो वीडियोज में आप लाइव क्लास में हमारे क्वेश्चंस की सीरीज चलती है उसमें आप प्रैक्टिस करें, और दूसरा इसका यह है कि इसकी टेस्ट सीरीज भी मैं ऐप पे आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज अभी तैयार कर रहे हैं तो उसमें 1 दिन 2 दिन या 4 दिन का समय लग सकता है, तो टेस्ट सीरीज आपकी आ जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर, वहां आप टेस्ट सीरीज में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितना टाइम हो सके 2 घंटा दिन के, 3 घंटा दिन के, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे टेस्ट सीरीज के अंदर जो आपके एग्जाम में ही आएंगे, ऐसे नहीं होंगे जो आपका इम्तिहान ही ले रहे हैं और एग्जाम में ना आए, बिल्कुल एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपके उसमें डाले जाएंगे, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में खुद तैयार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं बात बताऊँ आपको, तो एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को एप्लीकेशन पता नहीं होगा क्योंकि नए बच्चे हैं काफी सारे यहाँ, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए जैसे आप यहाँ पर जाते हैं तो बस आप जो है अपने फोन में ही यहाँ पे सर्च करेंगे एस सी टीचर अकेडमी ऐप, ठीक है। ये तो मैं अभी इसमें खोल रहा हूँ कंप्यूटर में, लेकिन आपको फोन में जो प्ले स्टोर होता है, ठीक है, जो फोन में प्ले स्टोर होता है, तो जब आप प्ले स्टोर पे इस तरह का लोगो होता है प्ले स्टोर का, यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरह का, तो इसमें सर्च करेंगे एस ए टीचर अकेडमी लिख के, तो इस तरह का आपके सामने जो है ये खुल के आ जाएगा। ये वाला मेरा फोटो लगा हुआ है और यहाँ पे जो है इस तरह से आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल बटन होता है, जो कि आपके फोन में भी सेम आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद अपना फोन नंबर उसमें डाल के और अपना नाम डाल के लॉग इन कर लेंगे। उसके अंदर आप सारी चीजें, नोट्स भी ले सकते हैं उसी के अंदर से, आप सारी चीजें उसी के अंदर आपको जो है उपलब्ध हो जाएगी, टेस्ट सीरीज भी उसी में उपलब्ध हो जाएगी, वहां पे सारे चीजें अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप नोट्स जो है, अगर आप वहां पे कोई दिक्कत आती है कि हमसे डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, या वहां पे पेमेंट प्रोसेस में कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज का ये नंबर है 8532855503, वहां पे मैसेज करेंगे, वहां पे आपको नोट्स दे दिए जाएंगे या फिर आपको समझा दिया जाएगा कि कैसे वहां से डाउनलोड करें। नोट्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, उसमें मैच करके दिखाया था, एक तरफ आपका क्वेश्चन पेपर, एक तरफ नोट्स की पीडीएफ खोली थी, लाइन बाय लाइन प्रश्न आए हुए हैं नोट्स के अंदर से। इसके बाहर मैं कहता हूँ सीटेट की 50 पुस्तकें पढ़ लो और केवल एक नोट्स पढ़ लो, मेरे हैंड रिटन नोट्स है हाथ से लिखे हुए, 50 पुस्तकें भी मुकाबला नहीं कर सकती इन नोट्स का, ये मैं आपको दावा दे सकता हूँ, क्योंकि हम खुद हर साल मैच कर रहे हैं, 90% सीटेट का पेपर नोट्स के अंदर से आ रहा है। अगर आपने नोट्स को पढ़ा ही नहीं है या समझा नहीं है तो ही बात अलग हो सकती है, वरना जिसने एक बार नोट्स पढ़ लिए गारंटी है सीटेट में फेल हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करें इसके आगे, तो यहाँ पे प्रश्नों की शब्दावली आपको समझ में नहीं आती है, ये एक कारण हो सकता है आपके सीटेट फेल होने का। तो यहाँ पे इसके शब्दावली के 2 ही तरीके हैं, एक तरीका प्रैक्टिस है और दूसरा तरीका यह है कि आप कमेंट कर दो, और प्रश्न का जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट कर दो कि मुझे जो है इसका, जैसे कि मान लीजिए अवधारणा किसे कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा सर इसका मतलब बता दो, कमेंट में कर दो, मैं आपको समझा दूंगा, या तो कमेंट का रिप्लाई करूंगा, अगर लाइव वीडियो चल रही होगी तो लाइव में आपको बोल के समझा दूंगा। उसके अलावा हम लास्ट में, जब लाइव क्लास चलती है हमारी, तो लास्ट में 5 मिनट हम रखते हैं डिस्कशन वाले, आपने डेली देखा ही होगा जो लोग लाइव कर रहे हैं डेली,
तो हम लाइव क्लास का 5 मिनट डिस्कशन के रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं लास्ट में कि ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सकें, अपनी जो भी क्वेरीज हैं, कोई चीज समझ नहीं आई है, सीटेट से रिलेटेड कोई और दिक्कत है आपको, वो पूछ सकें, तो वो सारी चीजें आप इसमें पूछ सकते हैं। उसके अलावा लास्ट आपकी मिस्टेक ये हो जाती है ये सारी चीजों के बाद कि यहाँ पर सर मेरे 88 नंबर आते हैं, हर साल 88 पर अटक जाते हैं, 89 भी नहीं हो रहे हैं। कई बोलते हैं कि सर मेरे जो है 75 नंबर आ जाते हैं, 75 से 80 तक पहुंच जाते हैं, 81 नहीं हो पाते, क्यों? और 2 बार एग्जाम दे लिया, और प्रैक्टिस सेट की बात करें तो हमने प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं, पहले प्रीवियस पेपर में भी इतनी आ रहे हैं, दूसरे में भी इतनी आ रहे हैं, तीसरे में भी, ऐसा क्यों? क्यों? इसकी कारण पता है, सेम मिस्टेक्स आप बार बार कर रहे हैं, सेम। देखो यहाँ पे इसका तरीका ये होता है, अब मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके 75 नंबर जो है आप सॉल्व कर पा रहे हैं, अब आप जो है इसमें आइसोलेशन मेथड इस्तेमाल करो, यानी कि जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, जो टॉपिक आपको आते हैं, उनको आप छोड़ दो। आप ये चेक करो, जब आप प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, आप ये देखो ये जो मेरे से हुए हैं ये कौन से टॉपिक थे, क्योंकि हर बार वही टॉपिक आपके सही हो रहे होंगे, ये बात भी पक्की है। उसी टॉपिक से आपके जो है, मान लीजिए अगर जीन पियाजे का सवाल आपका एक में सही हो रहा है, तो अगले पेपर में भी वही सही हो रहा होगा, तीसरे में भी वही सही हो रहा होगा। कॉलबर्ग का अगर पहले में गलत हो रहा है, तो दूसरे में भी गलत, तीसरे में भी वही गलत हो रहा होगा, क्योंकि वही टॉपिक आप सॉल्व कर पा रहे हैं जो आपको आते हैं, जो आपने पढ़ रखे हैं। तो अब आप ये सेलेक्ट कर लो कि ये वाले टॉपिक्स मुझे आते हैं, और इनको हटा दो, इनको हटा दो। अब जो 75 बचे हैं, इनको पढ़ने की जरूरत है, तो इनको पढ़ेंगे अब हम, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, हम जो है जैसे ही एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, हमें लगा यार 75 नंबर तो गलत हो गए, तो हम फिर से पूरा का पूरा जो है, या तो पूरे नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, या पूरा सिलेबस जो है शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम हर बार जो है सेम टाइम लगा रहे हैं, हर बार सेम टाइम लगा रहे हैं, इससे तो आपके वाकई में 4 साल लग जाएंगे यार। सही तरीका यही है, मतलब आप लोग सही कह रहे हो, फिर मेन गलती यही हो रही है आपकी, है ना? ऐसे तो वाकई में अब 3 महीने का आपका सिलेबस है, आप तीन उसको जो है 10 बार पढ़ रहे हो, तो ऐसे तो वाकई में आपने 3 साल लगा दिए, है ना? तो अब आपको क्या करना है, इन्हें छोड़ देना है, जो आते हैं, जो नहीं आते उनको पकड़ना है, इसको तैयार करके फिर से हम जो है 10 दिन बाद प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। इस बार देखना 75 से 90 हो चुके होंगे, फिर 90 हो चुके हैं, तो अब बचे हमारे पास 60। अब फिर हमें देखना है कि 60 कौन से हैं, फिर सिर्फ इनको छोड़ देना है 90 को, फिर 60 पे फोकस करना है जो टॉपिक बच रहे हैं। इस तरह से आप शुरू करें तो नंबर बढ़ेंगे भी, बहुत अच्छे नंबर जाएंगे, सीटेट पास भी होगा। आई थिंक देखो इसमें सारी चीजें हो चुकी हैं कवर। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो है मैंने एक लाइन लिखी थी कि सीटेट दिसंबर 2023 आपके पास जो है लास्ट अंतिम मौका है, अवसर है, वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आपकी वैकेंसीज आ रही है बहुत सारी, कई जगहों पे, यूपी में देखो वैकेंसी आएगी, सुपर टेट आएगा, आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन आएगा। उसके अलावा मतलब 100% तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये तो है नहीं कि मैं ही सरकार हूँ भाई कि मैं ही वैकेंसी दूंगा, लेकिन उम्मीद है जो मुझे लगता है। उसके अलावा आपका जो है बिहार में आपकी जो है 1 लाख से ऊपर वैकेंसी आ रही है, अभी पिछले आई है, दोबारा आ रही है। उसके अलावा बात करें तो केवीएस में आएंगी अगले साल 24 में, उसके अलावा आपकी डीएसएसबी में आने वाली है, स्पेशल में भी, जनरल में भी, बीएड वालों के लिए टीजीटी पीजीटी में आ रही है। तो इतना सारी चीजें जो आएंगी, तो अगर आपका सीटेट पास ये वाला नहीं होता तो आपकी ये सारी वैकेंसी खाली जाएंगी। और जब कोई भी डिपार्टमेंट अपनी एक बार भर्ती कर लेता है तो फिर वो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है, उसके वैकेंसी पूरी हो गई, अब वो 2 साल तक हो सकता है ना दे वैकेंसी, या 3 साल तक ना दे, तो 3 साल तक आप बेरोजगार बैठे रहोगे। बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये सीटेट करना आप लोगों के लिए जरूरी है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ। अभी फॉर्म नहीं आए हैं और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया आपको, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस बार का सीटेट आप लोगों का निकल जाए और आपको चांस मिल जाए भर्ती में, ताकि आप लोगों का जीवन भी थोड़ा सा तो आगे बढ़े, है ना? ऐसे रुके रुके बैठे रहेंगे क्या? तो ये सब चीजें पैटर्न आपको फॉलो करना है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस करो डेली, सारी चीजें जो है समझ के चलो, वीडियोस को पूरा देखा करो, कई बार आप आधे आधे में छोड़ छोड़ के भागते हो, सब अपडेट आती है हमारे पास, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करो, हो सकता है एंड में ही कोई ऐसी पॉइंट हो जो ज्यादा काम के हो, तो क्लास तो पूरी ही देखनी चाहिए। चलिए बाकी बातें होती रहेंगी, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कमेंट करके बता देना, अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।